चिंटू को बचाने का बस एक ही तरीका है, तुम उस फूल के पास जाकर तैयार हो जाओ। लेकिन भैया किस बात के लिए तैयार हो जाओ? मैं अभी आता हूँ। विवान! चिंटू! चिंटू भैया! बेटा! पापा! यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है! विवान! ये पकड़ो! आप! तुम ठीक तो हो ना? चिंटू! ये क्या है? पापा, लिफ्ट तो मिली नहीं, लेकिन गोद में डुबकी जरूर मिल गए। मेरा, हम सबको चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये धरती नहीं है। मिश्रा अंकल, अभी अभी जो चिंटू के साथ हुआ वो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी के भी दिमाग में डाउट होगा कि ये अर्थ है। नहीं, 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 नहीं। तो अब भी जादुई पेड़ से पहली शादी लेने की ओर बढ़ रही है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही शर्मा जाता है, वैसे ही अगर तुमने इस पेड़ को छुआ तो एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा। धप्पा! नहीं! नहीं! आप! तमाचा मारा है हमारे मुंह पे इस नौ सिखिया परी ने तिमनासो। इस पेड़ को छूकर उसने हमारे काम को और कठिन बना दिया है। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली हूं। अब बोले नहीं सुनो, प्रोपेलर तो नीचे से निकल चुका है। ओह नो, अब बिना प्रोपेलर के घर उड़ेगा कैसे? अब क्या करें, हम लोग यही मर जाएंगे क्या? अरे चिड़ा अंकल! अरे बाप रे, यहाँ के फूल इतने खतरनाक है तो जानवर कितने खतरनाक होंगे। अरे अरे रिलैक्स रिलैक्स, पैनिक होने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर हम उस प्रोपेलर को ढूंढ लेंगे तो हम इस घर को वापस यहाँ से निकाल कर बाहर जा सकते हैं। नहीं, 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 नहीं। अब तुम लोग जाओ ढूंढने। हाँ। हम लोग तो यही इंतजार करेंगे। अभी एक पंखा ढूंढने के लिए इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है, है? पता नहीं इस अनजान दुनिया में और कौन से अजीब जानवर देखने मिलेंगे। एनिमल्स का तो पता नहीं, लेकिन इंसेक्ट जरूर देखने को मिलेंगे। कहाँ? वहां देखो। तुम सब कौन लेकर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन भैया बिना मैजिक के कैसे? विवान हमारे पास साधु शक्तियाँ नहीं, लेकिन दिमाग की शक्तियाँ तो है। जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप सब जल्दी अंदर चलिए। जाइए माँ। ओए मकड़ी, ज्यादा भूख लगी है, ये खाओगी? अरे वाह, धरती पे जो शक्तियां मकड़ी मानव के पास नहीं है वो यहाँ पे तुम्हारे पास। अरे अरे, एक बार सोचने का समय तो दो।
ये आया। अब हुआ हमारा हिसाब बराबर। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारा नाश्ता छीन लिया था, लेकिन अब तुम्हें 56 भोग खिला दिया है। अब क्या तिमनासा, क्या इस चाबी को हम इस पेड़ से नहीं निकाल पाएंगे? जिस तरह छुई मुई का पौधा कुछ देर बाद वापस से खिल उठता है, उसी तरह ये शक्तिपुंज पेड़ भी कुछ ही देर में खिल जाएगा। हमें बस यहीं रहकर इंतजार करना होगा। पहली चाबी तो मेरी ही होगी। महाशक्तिशाली बनकर इस ब्रह्मांड पर राज करने का ये सुनहरा मौका मैं जाने नहीं दूंगी। भैया मुझे बहुत भूख लगी है। चिंटू तुम्हें ना हर वक्त भूख ही लगती रहती है। ओए विवान, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, कोई सुपर हीरो या पोलर बियर नहीं कि एक बार खा लिया फिर उसके 6 महीने तक कुछ नहीं खाया। वैसे विवान भूख तो हमें भी लग रही है। हाँ हम लोगों को भी भूख लग रही है। तो लगी। एक रास्ता है, हम इस प्लेनेट पे बाहर जाकर खाना ढूंढ सकते हैं। लेकिन दीपू भैया, इतने सारे लोगों का खाना लाने के लिए हमारे साथ और कौन आएगा? माँ इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है? अरे घर से खाली 4 कदम ही दूर गए थे, उतने में तो वो ट्रक के माप जितना बड़ा बखोड़ा आया और हम सब पर हमला करने लगा। नहीं नहीं, मार कौन जाएगा? हाँ, और दूर गए तो पता नहीं और बड़ी बड़ी मुसीबत हम पर आ गिरेगी। उससे अच्छा ना हम लोग यहीं रह के भूखे रह लेते हैं। हाँ। अरे लेकिन अगर हम इस प्लेनेट से टेक ऑफ करेंगे तो पता नहीं रियल अर्थ पे पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा। और फ्लाइट में कौन सा हमें कोई एयरहोस्टेस मिलने वाली है जो हमें लंच करा दे? बिल्कुल सही बोल रहे हो रिंकू सुतली। कितने इंटेलिजेंट हो तुम सब लोग, लेकिन कोई इंसान कैसे भूखा रह सकता है यार? अच्छा चिंटू, तो तुम दोनों आओगे हमारे साथ खाना ढूंढने? नहीं, तुम लोग जाओ ना, तुम लोग जाओ, हम तब तक यहाँ पे डिनर टेबल रेडी करते। हम प्लेट और चम्मच साफ कर देंगे, आप लोग खा रहने के आ जाना। देवू भैया, मैं चलूंगी आपके साथ खाने ढूंढने। मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ विवान। आफ्टर ऑल जहाँ विवान वहाँ विमान की पलटन। तो क्या इन बच्चों के अलावा कोई बड़ा भी आना चाहता है हमारे साथ? नॉर्मली अगर हमें खरोच तक आ जाए तो माँ रात भर जागती है और उनके बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं और वो आंखें चुरा रही हैं। जब मैजिक वर्क ना करे तब लॉजिक का यूज करना चाहिए, और मेरा लॉजिक कहता है कि इस अननोन अर्थ में अपना डेथ वारंट ढूंढने बाहर जाना स्टुपिडिटी है। अरे करुणा जी, अरे आप सोच क्या रही हैं? बच्चों के साथ आप ही चली जाइए ना। नहीं नहीं, मैं घर में रह के ही प्रार्थना करूंगी भगवान से। तुम सब बच्चे तुम जाओ। ऑल द बेस्ट। ये अचानक करुणा जी को क्या हो गया है? खुशी, खुशी हमेशा मुझसे एक कदम पीछे रहा करो। ओके।
ये जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए हमेशा मेरे साथ रहो। चलो। लेकिन देवू भैया, अगर प्रोपेलर टूट गया होगा तो? खुशी, अगर अच्छा सोचोगी तो हमेशा अच्छा ही होगा। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमेशा अपना स्वभाव सकारात्मक रखना चाहिए। हैं? यानी पॉजिटिव। लेकिन देवू भैया, जब चारों तरफ खतरा हो और एक से बढ़ के एक मुसीबत हम पे आ रही हो, तो हम पॉजिटिव कैसे रहेंगे? अरे खुशी, यही तो ट्रिक है। और तुम्हारा नाम भी तो खुशी है, तो इसलिए तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। देवू भैया, कभी कभी आप ना बिल्कुल बालवीर जैसे बातें करते हो। मुझे तो डाउट है कि आप ही बालवीर हो। हाँ, मैं हूँ बालवीर, और तुम भी तो बालवीर हो। दुनिया का हर बच्चा बालवीर बनने की क्षमता रखता है, बस शर्त यह है कि चेहरे पर हमेशा स्माइल होनी चाहिए और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। चलो। आउच! खुशी, संभल कर, ये जड़े बहुत खतरनाक हो सकती है। मैं इसे निकालता हूँ, तुम खड़ी रहना। अरे देवू भैया, अरे खुशी, संभल कर। देवू भैया, मैं फेस पर स्माइल तो है, लेकिन अब क्या होगा? देवू भैया, बाप रे बाप, ये फल है या परमाणु बम? 90% तो चांस है कि ये फल है। इसका मतलब ये है क्या कि सामने फ्रूट रखे और हम भूखे ही रह जाएंगे? हाँ। अब ये चेक करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? हम में से किसी एक को ये फल खाकर देखना होगा। मगर ये रिस्क लेगा कौन? चिंटू चिंटी और कौन? अरे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये दोनों तो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं। पापा, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, कोई और खा के ट्राई करेगा। हाँ। हाँ। माँ, अब ये पल मैं खाकर देख लूं? हाँ हाँ विवान, जल्दी टेस्ट करो। पद्मिनी बेन, लगता है करुणा बेन का प्रेम इस ग्रह में आके विवान के लिए कम नहीं हो गया। भाई शुक्र, विवान बेटा संभल के। हाँ हाँ, खाओ। पॉजिटिव रखो और वो जो कुल्हाड़ी पड़ी है उसे उठाओ और उससे वो जड़ काट दो। नहीं देवू भैया, मुझसे नहीं होगा। काश बालवीर हमारे साथ होते हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ खुशी, बालवीर यहीं पर है, वो तुम्हारे दिल में है। बस थोड़ी हिम्मत करो और उस कुल्हाड़ी को उठाकर वो जड़ काट दो। वो कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, कोशिश करो।
पधारो, कोशिश करती रहो। यस, बस एक स्माइल करो और वो कुल्हाड़ी से जड़ काट दो। बहुत अच्छे। अब मेरी भी काटो। देवू भैया। देखा खुशी, मैंने कहा था ना कि इस दुनिया का हर बच्चा अपने अंदर के बालवीर को जगा सकता है और हर मुसीबत का सामना कर सकता है। हाँ देवू भैया, चलो अब प्रोपेलर ढूंढने चलते हैं। यस। अरे सॉरी। चलो ये लीजिए। मिल गया प्रोपेलर। विवान, विवान, विवान! चल। I think ये फ्रूट सेफ है। Enjoy it. हाँ? अरे हाँ, अरे 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 चल चल। ये तो रही है। ये ले पंडित। तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। कूल। विवान? विवान? मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुमने रूप तो माँ का बना लिया, लेकिन हो तुम कंच मामा से भी ज्यादा खतरनाक। बताओ मेरी माँ कहाँ है? कहीं इस पे फल का असर तो नहीं हो गया? रे जल्दी बताओ, बताओ मेरी माँ कहाँ है? क्या किया है तुम लोगों ने उनके साथ? तुम्हें क्या लगा विवान कि तुम्हारी 4 इंच की बटर नाइफ से मैं डर जाऊंगा? रे साइज से धोखा मत खाना, क्योंकि एक डीप कट लगाने के लिए 1 इंच की ब्लेड भी काफी होती है। रिलैक्स विवान, और जाकर अपने घर के अलमेराज में चेक करो, तुम्हारी डियर मॉम तुम्हें मिल जाएगी। ये मत सोचना रे कि मैं यहाँ से अनिराज की तलाश में निकल जाऊंगा और तुम मुझे चकमा दे दोगे। Come on, विवान, इतना ओवरएक्ट क्यों कर रहे हो? और वैसे भी इस प्लैनेट पर मैं तुम्हें चकमा देकर जाऊंगा कहाँ? आप सब प्लीज जाकर माँ को ढूंढिए कि वो इस घर में है या नहीं। हाँ। करना जी भी? विवान, करना जी अंदर नहीं है। यहाँ भी नहीं है विवान। एक बेटे की पेशेंस ट्राई मत करो। कूल इट विवान, बाकी सबको भी तो चेक कर आ जाने था। चिंता मत करो, तुम्हारे माम घर पे ही है। अरे बाप रे, ये कमरे में सामान कैसे बिखरा पड़ा है? यहाँ कैसे ढूंढेंगे करुणा जी को? ये इतनी बड़ी अलमारी। एक मिनट रुको रुको। करुणा बेन तो इधर है। विवान, मिश्रा अंकल, आप इस बहरूपी को अपनी नजरों से दूर मत होने देना। मैं? हाँ आप प्लीज आइए,
अरे खुद तो हिलना बंद करो। माँ की कुली माँ करुणा बहन जी, माँ की कुली माँ करुणा बहन उठो ने माँ प्लीज माँ माँ की कुली For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.